देखिए क्या ही खूबसूरत पापा ने पत्थर से यहाँ पर पूरी बाउंड्री बना रखी है। क्या ही सुंदर नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर नो कहते हैं से पूरा लंबा होके देख रहा है, मम्मी इधर रोटी बनाते बनाते देख रही है, पापा भी उधर से लंबे हो रखे हैं, तो काफी एंजॉय कर रहे हैं हमारी वीडियो को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर देखिए पापा दिहाड़ी पे आ रखे थे, इनको मैं अभी चाय लेके आया हूँ और आज दिहाड़ी पे भाई साहब भी लगे हैं, तो वो भी अभी चाय पी रहे हैं। और जो इनका काम है, यहाँ पर देखिए एक मंदिर बनाया गया है, तो इसके चारों साइड से शायद इनको खुदाई करनी है और उसके बाद फाउंडेशन डाल के अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन करनी है। पता नहीं जो भी काम होगा वो तो आने वाली अगली वीडियो में शायद आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक जो पापा ने यहाँ पर काम किया है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी ये नीचे वाली साइड वाली बाउंड्री। तो ये देखिए क्या ही खूबसूरत पापा ने पत्थर से यहाँ पर पूरी बाउंड्री बना रखी है और काफ़ी अच्छी लगती है ये बाउंड्री। जब पत्थर देखो किस प्रकार से यहाँ पर देखिए व्यवस्थित किए जाते हैं, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर बड़ी सी पठाव है और नीचे देखिए बारीक बारीक पत्थरों को इस प्रकार से लगाया गया है और पूरी इस प्रकार से बाउंड्री बनाई गई है, जिसको कि दीवार हम बोलते हैं गढ़वाली में। और पापा ने सिर्फ ये वाली नीचे वाली बाउंड्री नहीं बनाई है बल्कि यहाँ पर भी बनाई है। और ये देखिए पूरी यहाँ पर थोड़ा सीढ़ियाँ भी बना रखी हैं और ये देखिए पूरा जो एक पोस्ता होता है ना वो यहाँ पर लगा रखा है। और दोस्तों ये गज़ब का ये देखने में अच्छा लगता है। देखिए बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे और बीच में ये बारीक बारीक जो पत्थर हैं ये छपले बोलते हैं। और पापा कुछ बोल रहे हैं और पापा बोल रहे हैं पीछे वाली सीढ़ी तो आपने बताई नहीं, तो ये देखिए ये वाली पापा ने सीढ़ी बना रखी है। दोस्तों बाहर ईंट से ये चीज़ें होती है लेकिन हमारे पहाड़ों में पत्थर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। क्या बोल रहे? हेलो गाइस। अच्छा हेलो गाइस बोल रहे थे हैं, डोरेड़ी। तो पापा बोल रहे हैं एक डोरेड़ी मुझे लानी है और उसको बोलते हैं बल सूत, एक रस्सी, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सके कि जो दीवार है वो कहीं तिरछी तो नहीं हो पा रही है, जो बाउंड्री यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पीछे भाई साहब और पापा ने आज सुबह सुबह का काम ये था, यहाँ पर पूरी एक खुदाई की है और उसके बाद यहाँ पर फिर से पत्थर व्यवस्थित किए जाएंगे और अच्छी सी बाउंड्री यहाँ पर भी बनाई जाएगी। तो पापा जो बोल रहे थे ना डोरेड़ी लानी है, तो उसको मैं लेके आ चुका हूँ। ये डोरेड़ी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, बल्कि एक धागा है जो कि ऊन का धागा है। तो इसका क्या यूज होता है वो मैं बोल रहा था आपको। जो दीवार लगाई जाती है, जो बाउंड्री लगाई जाती है, तो उसको इस प्रकार से लगाना पड़ता है कि कहीं अंदर बाहर ना हो, तिरछी ना हो। तो इसका यूज़ भी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पापा यहाँ पर पत्थर निकाल रहे हैं जिससे कि यहाँ पर चिनाई की जाएगी। और भाई साहब पता नहीं कुछ मंद मंद मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं लेकिन मैंने सुना नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो पत्थर का काम करना होता है ना कहीं पे, तो सबसे पहले पत्थर को अच्छे रूप में ढालना पड़ता है। देखिए कहीं से बाहर आ रहा था कोना, तो इसको पापा ने तोड़ दिया है। ऐसे ही पत्थर सीधे लगाए नहीं जाते हैं बल्कि उनकी अच्छी सी गढ़ाई की जाती है। तो अभी मैं पानी के लिए गया था पापा लोगों के लिए और पानी लेके मैं आ चुका हूँ। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए पापा ने कितने सारे पत्थरों की यहाँ पर गढ़ाई कर दी है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इसीलिए तो हमेशा कहता ही रहता हूँ हमारे बापूजी बड़े कमाल के हैं। तो चलिए पानी पीजिए, बहुत काम हो गया होगा। हो रहा है, ठीक हो रहा है, बिल्कुल चकाचक हो रहा है, हो रहा है टकाटक। दोस्तों ये देखो ये काम जितना दिखने में आसान है उतना आसान है नहीं। पूरा जो बाजू है ना वो पूरा इतना ज़्यादा दर्द करता है। अभी तो जब काम करते हैं उस समय तो पता नहीं चलता है लेकिन रात को और जब सुबह उठो तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने भी ये बहुत काम किया है और अभी भी जब मौका मिलता है तो ज़रूर करते रहते हैं हमेशा। भाई साहब भी पानी पीने के लिए आ चुके हैं और मैं देखता हूँ भाई साहब ने कितना काम किया है। ये देखो भाई साहब ने जो यहाँ पर खोदा था ये पूरी ये मिट्टी है भाई साहब ने वहाँ पर सामने डाल दी है। और पापा का तो मैंने आपको बता ही दिया, इतने सारे पत्थरों की पापा ने कढ़ाई कर दी है। तो चलो अभी अपना यहाँ पर कोई भी काम नहीं है और दिन के 12 बजने वाले हैं और अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ है। तो चाय पिला दी है, पानी पिला दिया है, अब इनको खाना भी खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो घर चलते हैं। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और घर आके आया सीधे बबरा भीतर आग जलाई और चूल्हे में भात रख दिया है। और इतने में ही मम्मी भी आ चुकी है और मम्मी लेके आई है
पालक जिसको कि गढ़वाली में हम पयंगू बोलते हैं। तो आज पालक की सब्जी बनेगी या ढिपली डुपली क्या बोलते हैं वो बनने वाली है। जो भी बनेगी वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा धुआं है, वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर तो भात रखा गया है नीचे वाले चूल्हे में और मल्ला चूल्हा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर बनाई जाएगी सब्जी। और तेल मम्मी ने रख दिया है, उसमें थोड़ा किराया यमा घर या तो इसमें सरसों के कुछ बीज डाले हैं, तो सरसों का यहाँ पर तुड़का रखने वाला है हरी सब्जी में, पालक की सब्जी में। और पालक यहाँ पर मम्मी अब धो रही है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी रख दी है चूल्हे में बनाने के लिए। और अभी तक आपने देखा होगा ऊपर वाले चूल्हे में कढ़ाई थी और जो भात बन रहा था वो नीचे वाले मुलिया चूल्हे में बन रहा था, तो अब दोनों ही चेंज हो गई है। तो यही फायदा है चूल्हे में बनाने का, आग हमने एक जगह जला रखी है और दोनों चीज चूल्हे में बन रही है। गैस में तो दोनों जगह गैस खोलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक ही लकड़ी में दोनों काम हो रहे हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो फायदे होते हैं वो हमारे पहाड़ों में होते रहते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। तो गाइस अभी खाना बन चुका है और खाना खाने आया हूँ मैं सीधे छत पे, क्योंकि आज जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। धूप तो है लेकिन काफ़ी धुंधली है, तो ठंडा हो रहा था इसीलिए मैं सीधे छत पे आया हूँ। और आज खाने में क्या है आपको मैंने पहले ही बताया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरा साग आप मान सकते हैं, हरी सब्जी मान सकते हैं, और घर के जो चावल परसों हमने कूटे थे ये वाले हैं, और उसके साथ है माल्टा। तो चलिए इस खूबसूरत से खाने को जो दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो जल्दी से इसको खाते हैं और उसके बाद आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। तो गाइस कपली ढपली हरा साग खाने के बाद अभी उसको पचाने के लिए मैं जा रहा हूँ रुमसी गांव में। और आगे देखिए मेरे साथ मम्मी और चाची भी जा रहे हैं, जो कि जाएंगे रोड पे जहाँ पर हमारी लोकल दुकानें हैं, तो सस्ते गले की जो दुकान होती है जहाँ पर सरकारी राशन आती है, कम रेट की राशन होती है। तो आजकल राशन आ रखी है, कितने महीने की आ रखी है ये मुझे पता नहीं है, तो उसी को लेने मम्मी और चाची जा रही है। बोले तो वो सिर्फ वहाँ पर भर के रखेंगे, और लेने तो अभी मैं जाऊँगा, तो घर आते समय क्या पता मैं ही लेके आऊँगा, नहीं तो कल भाई साहब और मैं आएंगे और वहाँ से लेके आएंगे। और रुमसी गांव में मैं क्यों जा रहा हूँ अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें हम अरसा बना रहे थे, पहाड़ी कलियों बना रहे थे अपनी दीदी लोगों के लिए। तो दीदी लोग तो अपने अपने हिस्से का ले गए हैं, तो बुआ फूफू के हिस्से का भी थोड़ा था, तो उसी को देने मैं अभी रुमसी गांव में जा रहा हूँ फूफू के बुआ के घर में। दोस्तों सामने देखिए क्या ही खूबसूरत दृश्य अभी केदार घाटी का देखने को मिल रहा है, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो वहाँ पर लगातार सुबह से बर्फ़बारी हो रही थी और अभी बर्फ़बारी रुकी होगी, और बर्फ़बारी के बाद वहाँ पर ऊपर धूप चमक रही है बर्फ़ के ऊपर। तो ये देखिए क्या ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा हवा यहाँ पर चल रही है, तो शायद आपको आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये नज़ारा देखिए, बर्फ़ इतनी सारी है और उसके ऊपर जब धूप चमक रही है तो क्या ही खूबसूरत देखने को मिल रहा है, वाह। तो चलो ऐसे नज़ारों से नज़र हटाने का मन नहीं करता है, लेकिन अभी काफ़ी दूर मुझे जाना है, मैंने अभी आपको बताया रुमसी गाँव में, तो अभी मुझे चलना चाहिए। और ऐसी बीच बीच में जो भी आपको दिखाने लायक चीज़ें होगी वो मैं आपको दिखाते चलूँगा। तो ऐसे पहाड़ की खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, और साइड में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। तो गाइज अभी मैं रोड पर पहुँच चुका हूँ, और ये देखिए चाची और मम्मी जाएगी ऊपर वहाँ दुकान पर, वहाँ पर ही सस्ते गल्ले की दुकान है, और यहाँ पर मेरी धन्नो स्टार्ट हो चुकी है और बोलते बोलते बंद भी हो गई है, तो एक बार फिर स्टार्ट करके देखते हैं इसको। तो गाइज अभी बाइक भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, तो चलिए चलते हैं। और रास्ते में शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अकेला इंसान हूँ, बाइक चलाऊँगा या वीडियो बनाऊँगा एक ही काम कर सकता हूँ, तो बाइक चलाना ही सही रहेगा। तो आपको सीधे मिलते हैं बुआ जी के घर पे रुमसी गाँव में। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं रुमसी गांव में बुआ लोगों के घर पे, और यहां पर देखिए ये है हमारी बुआ जी और ये है हमारे फूफा, मामा भी बोलते हैं हम और फूफा जी भी बोलते हैं, आप जो मान सकते हैं। तो ये है, और ठीक ठाक तबीयत पानी ठीक ठाक, मामा थोड़ा कम सुनते हैं तो मामा थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कान नहीं है, कान जी का तो कान नहीं है, कान कम है सुनते हैं ठीक है, और सब बढ़िया था, सब बढ़िया था।
कुछ स्पेशल बनो आज घू बेचते हैं ठीक है ठीक है। तो बुआ मुझे बोल रही है यहाँ रहने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता ज्यादा, क्योंकि आपको पता है गांव में अभी हल लगाने का काम चल रहा है, कोई लोग दिहाड़ी कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो बुआ लोगों के घर कभी आएंगे। और एक चीज मैं बताऊंगा, बुआ बहुत अच्छे गीत भी गाती है। बुआ गोवर्धन जब अब आना क्या दिन ओल में हो ठीक रात में ये क्यों बोली ठीक है। तो बुआ बता रही तो बुआ बता रही है कि मैं तुम्हारे गांव आऊंगी और वहां पर बुआ बहुत सारे भजन लगाती है, जागर लगाती है, तो बहुत चीजें लगाती है। तो चलो अभी यहां पर थोड़ा मैं बैठ गया हूं और अब चलते हैं अपने गांव की साइड, क्योंकि अभी शाम का समय है। एक बुआ है वो हमारी, एक बुआ है, एक ही बुआ है। तो चलो अंधेरा होने को है और धूप यहाँ तो रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता ही है अब तक अंधकार फैल गया होगा। ठीक है तब, हाँ जो बोला तब ठीक है वो ठीक है तब। वीडियो देखो तो मेरी है कन्या लगे तब बढ़िया बड़े लगे थे। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर नौ कहते गोलू अतः नौ कैसे खुश ठीक चुका था बोल मैं का दिन वाह। तो चलिए अभी बुआ लोगों को टाटा वाइव करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने गांव की ओर। दोस्तों मैं सोचता हूं कि हमारे ही गांव में सिर्फ लंगूर हैं, लेकिन आप यहां पर देखिए कितने सारे लंगूर यहां पर हैं। और यहां पर क्रिकेट खेलने की पिच है, लेकिन यहां पर इंसान तो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन ये देखिए छोटे छोटे लंगूर यहाँ पर अपना इंजॉय करते हुए। और सिर्फ कुछ ही लंगूर नहीं है, बल्कि ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लंगूर हैं। तो मेरी भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दोस्तों अभी मैं रुमसी गांव से वापस आ चुका हूँ और अभी चढ़ रहा हूँ अपने गांव की चढ़ाई, वो भी इतने बड़े थैले के साथ। मैंने आपको जाते समय बताया था कि मम्मी जो सस्ते गल्ले की दुकान है वहाँ पर राशन आएगी, तो मम्मी वहाँ पर राशन भर के रखेगी। तो मम्मी ने वहाँ पर तीन कट्टे भर के रखे थे, जिसमें से कि एक कट्टा मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर इसी भी है जिसके पास मेरा हेलमेट है। हेलो इसी, ठीक ठाक टकाटक। तो चलो अभी इसी और मैं अपने गांव की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल अंधेरा होने को है, और मेरे साथ छोटी सी भांजी हमारी इसी भी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है, तो हमें चलना चाहिए। अच्छा हमारे लिए यही होगा, तो चले पक्की बात दौड़ देने लगनी, चल जल्दी चल मैं बा खाना आज बड़ू बड़ू ले। तो एक बार फिर बोटू हमारे स्वागत में यहाँ पर आ रखा है और हम पहुंच चुके हैं अपनी चौक पे। और आपको मेरी शक्ल सही से नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो टोपी है वो मुँह के बिल्कुल सामने आ चुकी है। तो सीधे लेके चलते हैं वो पौंड भीतर इसको। तो गाइस फाइनली अभी घर पे पहुंच चुका हूँ और हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो चलो ठंडा भी काफ़ी हो गया है, क्योंकि इस टोपी को रखते हैं तो कान नहीं बसते हैं। तो अभी दूसरी टोपी पहनते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और आपको मिलते हैं वबरा भीतर। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं वबरा भीतर और यहां पर देखिए हमारी वीडियो देखी जा रही है। और देखिए उतावले कैसे हो रखे हैं, कोई इधर से पूरा लंबा होके देख रहा है, मम्मी इधर रोटी बनाते बनाते देख रही है, पापा भी उधर से लंबे हो रखे हैं, तो काफी इंजॉय कर रहे हैं हमारी वीडियो को, जैसे कि आप लोग भी करते होंगे। तो चलो मैं भी थोड़ा ये वीडियो देखता हूँ। तो अभी तक ये फनी क्रिकेट वाली वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखी है तो आई बटन पे इसका लिंक आ रहा होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर हम वीडियो देखते हैं, थोड़ा रोटी बनाते हैं। और आज की जो वीडियो है हमेशा की तरह आज की वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत बाय बाय टाटा।